हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पाइथन का एक और नया वीडियो। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? जिसमें सभी तरह के हमारे इनहेरिटेंस होते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस करे हैं, मतलब कि सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हेरारिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, इन सभी को मिलाकर जो इनहेरिटेंस की टाइप बनती है वो होती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो मैं चलिए आपको समझा देता हूँ कि कैसे जो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस काम करता है या फिर उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से हमारे पास एक क्लास है। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक क्लास है, कोई भी क्लास ले लो। ठीक है, लेट्स से इसका नाम ए ले लो। तो ये हमारे पास एक क्लास है। तो इसके आगे लेट्स से इसकी दो डिराइव्ड क्लासेज हैं, इसकी दो डिराइव्ड क्लासेज हैं। इसका नेम लेट्स से बी है, इसका नेम है सी। तो ये जो दोनों क्लासेज हैं ये ए को इनहेरिट कर रही हैं। ठीक है, ऐसे तो ये जो दोनों क्लासेज हैं ये क्या कर रही हैं, ये ए को इनहेरिट कर रही हैं। ठीक है, इन दोनों क्लासेज का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, ए और बी बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लासेज हैं। ठीक है, इसको यहां से मैं हटा देता हूँ, आपको इसमें कोई डाउट ना हो। तो बी और सी जो क्लासेज हैं वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट क्लासेज हैं, लेकिन ये क्या कर रही हैं, ये ए को यहाँ पे इनहेरिट कर रही हैं। तो ये हमारे कौन सी इनहेरिटेंस की डायग्राम है? ये है हमारी हेरारिकल इनहेरिटेंस की। ठीक है, मतलब कि ए है हमारी सुपर क्लास और बी और सी उसके नीचे इसकी सब क्लासेज हैं। तो ये हो गई हेरारिकल इनहेरिटेंस। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे एक और क्लास लूँ, लेट्स से डी क्लास, और जो ये डी क्लास है ये क्या करेगी, ये बी और सी दोनों को यहाँ पे बी और सी, ठीक है, सॉरी मैंने आई थिंक एरो गलत बना दिया। तो ये जो हमारी डी क्लास होगी ये क्या करेगी, ये बी और सी को यहाँ पे इनहेरिट करेगी। ठीक है, जो हमारी डी क्लास है ये क्या करेगी, बी और सी को इनहेरिट करेगी। अब ये हमारी बन चुके हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये देखिए इसमें क्या है, एक तो बी और सी ए को यहाँ पे इनहेरिट करी है, तो ये हमारी होगी हेरारिकल इनहेरिटेंस। ठीक है जी, और उसके बाद बी और सी को डी यहाँ पे, बी और सी को डी यहाँ पे इनहेरिट करी है, तो ये हमारी हो गई मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्योंकि जब एक क्लास एक से ज्यादा क्लासेस को इनहेरिट करती है तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जो फर्स्ट लेवल है हमारा, ठीक है, ये हमारा जो लेवल है इतना इतना वाला, जो इतना लेवल है ये हमारा हेरारिकल इनहेरिटेंस, और जो ये हमारा ये लेवल है ये हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो दो इनहेरिटेंस हो गए, तो दो इनहेरिटेंस को मिलाकर, ठीक है, ये क्या हो गया, हाइब्रिड इनहेरिटेंस ये बन गया। अब इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी आ चुका है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे, मल्टी लेवल में क्या होता है, एक से ज्यादा लेवल्स होते हैं, तो मल्टी लेवल भी इसमें आ चुका है। क्योंकि बी और सी किसको इनहेरिट कर रही है, ए को, तो इसका मतलब कि बी और सी के अंदर ए की प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो डी किसको इनहेरिट कर रहा है, बी और सी को, तो डी में भी इनडायरेक्टली ए की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, तो इससे ये क्या बन गया, मल्टी लेवल बन गया। क्योंकि बी और सी किसको इनहेरिट कर रही है, ए को, तो बी और सी के अंदर ए की प्रॉपर्टीज हैं, और जो डी है वो बी और सी को इनहेरिट कर रही है, तो इनडायरेक्टली डी के अंदर ए की प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो ऐसे इसने हमारे जो है थ्री टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस मिलाकर हमारी ये बन चुके हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये थी इसकी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको दी कि हाइब्रिड जो इनहेरिटेंस है वो कैसे काम करती है। अब चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड के अंदर। अब चलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फाइल क्रिएट कर ली है हाइब्रिड अंडरस्कोर इनहेरिटेंस डॉट पीवाई के नाम से, और अब इसमें हम अपनी जो फंक्शनैलिटी है उसको रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे, लेट से ए क्लास, जो कि हमारी सुपर क्लास थी। ठीक है, सबसे ऊपर जो हेरारकी में हमारी क्लास थी वो थी ए क्लास। तो ए क्लास के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफ, और फंक्शन का नेम लेट से यहाँ पे मैं लिख दूंगा शो। ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक कीवर्ड पास करते हैं, सेल्फ कीवर्ड। ठीक है, तो अगर आप किसी क्लास के अंदर किसी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो तो आपको उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ आप लिख सकते हो या फिर इसका नेम कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इसमें जरूर आपको पास करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें एरर थ्रो करेगा। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या एरर थ्रो करता है
और इस यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास की बॉडी। तो यहाँ पे मैं लेट्स से इसके अंदर यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा फंक्शन ऑफ ए क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फंक्शन ऑफ ए क्लास, ठीक है। तो ये हमारी एक जो सुपर क्लास है ये हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके नीचे हमें दो और क्लासेस जो हमारी बी और सी क्लासेस थी उनको क्रिएट करना है, जो क्या करेंगी ए क्लास को इनहेरिट करेंगी। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे दो बार पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने एक बार कर दिया और ये दो बार कर दिया, सॉरी। इसके बाद यहाँ पे करना है मुझे, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ऐसे, सॉरी। फंक्शन क्लास की बॉडी के अंदर आएगा, तो ये हमारा यहाँ पे हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्लास को यहाँ पे मैं इसका नेम दे दूंगा बी क्लास, और ये क्या क्लास क्या करेगी, ए क्लास को इनहेरिट करेगी, ठीक है जी। तो इसने क्या किया, ए क्लास को इनहेरिट कर दिया, और यहाँ पे इसके फंक्शन का नाम मैं लिख दूंगा शो वन, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं फंक्शन ऑफ बी क्लास। और ऐसे ही यहाँ पे जो हमारी सी क्लास होगी, जो हमारी सी क्लास होगी ये क्या करेगी, ये भी ए क्लास को इनहेरिट करेगी। इसका फंक्शन का नेम मैं यहाँ पे कर दूंगा शो टू, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं फंक्शन ऑफ सी क्लास, ठीक है जी। तो ये हमारा हमारे दो लेवल कंप्लीट हो चुके हैं, एक हमारी सुपर क्लास थी ए क्लास, उसके नीचे दो और क्लासेस थी बी और सी क्लास, जो क्या कर रही थी, ए क्लास को इनहेरिट कर रही थी, ठीक है। अब हमारी जो बची है वो बची है लास्ट क्लास, विच इज डी क्लास। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको फिर से यहाँ से पेस्ट कर लूंगा ऐसे ही, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा, और ये हमारी है डी क्लास। तो डी क्लास हमारी क्या कर रही थी, डी क्लास हमारी बी क्लास और सी क्लास दोनों क्लासेस को इनहेरिट कर रही थी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बी और कॉमा डाल के लिख दूंगा सी, ठीक है। तो ये डी क्लास ने क्या किया, दोनों बी और सी क्लासेस को यहाँ पे इनहेरिट कर लिया। इसका मतलब कि जो फंक्शंस बी और सी क्लास के अंदर हैं वो इनडायरेक्टली हमारी डी क्लास के अंदर अभी आ चुके हैं, इनडायरेक्टली नहीं सॉरी, बी और सी क्लास के फंक्शन है जो वो डायरेक्टली डी क्लास के अंदर आ चुके हैं, और जो ए क्लास का फंक्शन है शो फंक्शन वो इनडायरेक्टली डी क्लास के अंदर आ चुका है, ठीक है। क्योंकि बी और सी क्लासेस ने भी ए क्लास को इनहेरिट किया था, और जो डी क्लास है वो बी और सी को इनहेरिट कर रही है, तो इनडायरेक्टली डी क्लास ए को भी इनहेरिट कर रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फंक्शन ऑफ डी क्लास, फंक्शन ऑफ डी क्लास, और यहाँ पे इसका नेम मैं यहाँ पे कर दूंगा शो थ्री, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा ओबीजे इज इक्वल टू, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, डी क्लास का, ठीक है। डी क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे हम सभी फंक्शंस को यहाँ पे कॉल करेंगे। अभी अब मैंने लिखा ओबीजे, अगर मैं डॉट लिखूं तो यहाँ पे जो मैंने चारों ये फंक्शंस क्रिएट किए हैं शो, शो वन, शो टू, शो थ्री, ये चारों फंक्शंस हमें यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्यों डिस्प्ले होंगे, क्योंकि ये फंक्शंस वैसे तो हमने डी क्लास में एक ही फंक्शन को डिफाइन किया है शो थ्री को, लेकिन जो ये डी क्लास है ये बी और सी को इनहेरिट कर रही है, तो बी और सी के जो फंक्शंस हैं मतलब कि शो वन और शो टू ये भी डी क्लास के अंदर ही यहाँ पे आ चुके हैं, और जो बी और सी क्लास है वो ए को इनहेरिट कर रही है, इसलिए जो ए का फंक्शन है शो वो भी डी क्लास के अंदर यहाँ पे आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे डॉट लिखूं तो ये हमें ये चारों फंक्शन यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एस लिखूं तो ये देखिए इसने क्या किया, ये चारों फंक्शन शो, शो वन, शो टू, शो थ्री, ये चारों फंक्शन हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, तो हम वन बाय वन इनको यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, इसको कॉपी यहाँ पे मैं कर लूंगा, इसको यहाँ पे कॉपी करने के बाद ये क्या कर दिया इसने, गड़बड़ हो रही है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से इसको मैं करूंगा कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा वन बाय वन, ठीक है। चार बार हमने कर दिया, इसको यहाँ पे मैं शो वन कर दूंगा, यहाँ पे मैं शो टू कर दूंगा, और यहाँ पे मैं शो थ्री कर दूंगा, ठीक है जी। तो हमने ऑब्जेक्ट ए ही क्लास का यहाँ पे क्रिएट किया है डी क्लास का, तो क्योंकि ये डी क्लास सबसे नीचे थी इसलिए ये सभी क्लासेस के फंक्शंस को इनहेरिट कर रही है, तो इसलिए हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू सभी फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो और आपको नहीं पता कि इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, तो आप मेरी बाकी जो इनहेरिटेंस की वीडियोज हैं उनको भी देख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। उस
जो मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर मेरी बाकी की वीडियोस को, पाइथन की वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है जी, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको यहाँ पे मैं रन करूंगा। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये चारों फंक्शंस की जो आउटपुट है वो मुझे टर्मिनल के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमें आउटपुट मिलती है या नहीं, या फिर हमें कोई एरर थ्रो होता है, तो देखते हैं, लेट सी हमें क्या आउटपुट मिलती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो चारों फंक्शन है वो अच्छे से यहाँ पे काम कर रहे हैं और इनकी जो आउटपुट है वो हमें टर्मिनल के अंदर शो हो रही है। ठीक है, यही थे, ये देखिए शो की आउटपुट थी फंक्शन ऑफ ए क्लास, ये यहाँ पे हमें ये मिल रही है। उसके बाद थी हमारी बी की, ठीक है, उसका फंक्शन था शो वन, तो ये हाँ लिखा था फंक्शन ऑफ बी क्लास, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ बी क्लास लिखा है। ठीक है, उसके बाद सी सी था, वहां पे लिखा है फंक्शन ऑफ सी क्लास, सी क्लास का जो शो टू फंक्शन था ये देखिए यहाँ पे है फंक्शन ऑफ सी क्लास। उसके बाद डी क्लास का जो फंक्शन था शो थ्री, उसके अंदर लिखा था फंक्शन ऑफ डी क्लास, तो यहाँ पे लिखा है फंक्शन ऑफ डी क्लास। ठीक है, तो हमारे जो चारों फंक्शन है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो ओके है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने आपको कहा था कि हाँ, लेट से अगर मैं यहाँ पे शो फंक्शन में, फंक्शन के अंदर सेल्फ पास नहीं करता, कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता, जो भी हम, मैंने आपको बोला था कि जो भी हम फंक्शन को किसी क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं पाइथन के अंदर, तो हमें यहाँ पे एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इसमें पास करना पड़ता है। तो अगर मैं पास नहीं करूंगा तो ये हमें एरर देगा। अब मैं सेव करके इसको रन करूंगा, तो ये देखिए इसने क्या एरर दिया, शो शो फंक्शन टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 1 वॉज गिवन। तो ये बोल रहे आप इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको जैसे था वैसे ही कर दूंगा, इसको सेव करके दोबारा से रन करूंगा, तो ये काम हमारा चल पड़ेगा फिर से। अब ये ओके रिपोर्ट है, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।